भाई भयंकर। देखो यार भाई पुलिस चेक करो, सिक्योरिटी चेक करो, मार दू। इंट्रो कर दो, इंट्रो कर दो एक बार, इंट्रो कर दो एक बार। हेलो गाइस, हेलो गाइस, राइट विद डेनी। आज भाई राइट विद डेनी हम लोग को सभी लोग को राउंड देने वाले हैं अपन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट विद डेनी। तो तुम्हारा भाई निकल चुका है अभी घर से और आज जाने वाले भाई अपन दूसरी वाली साइड से। अपन जिस साइड से आते हैं तो उस साइड से नहीं जा रहा आज। और भाई घर पे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आए थे, देखा था जो कि आप लोगों ने शुरू में। तो अभी भाई चलो निकलते हैं फिलहाल में अपन। मार दूं? अगर ज्यादा उठा तो गिर जाते पीछे से, इसलिए नहीं उठाई। ठीक है, ये देखो भाई तुम्हारे भाई के एरिया के कुछ अनसीन प्लेसेस। यहाँ से अपन भाई आए नहीं, फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं इधर पे ब्लॉक करने के लिए। अपन मतलब आए हैं बट दूसरी वाली साइड से आए, इधर से अपन एक भी बार नहीं आए, फर्स्ट टाइम ही भाई अपने ब्लॉक में। ये भाई पूरी फैक्ट्री एरिया है ये वाला, ये सारे देखो या भाई कंपनी लाइन है, गोविंदपुर इंडस्ट्री एरिया भाई बहुत कहलाता है ये वाला। तो इधर पे भाई ट्रैफिक वगैरह बहुत रहता है, इस चक्कर में अपन इस साइड से नहीं आते भाई। ये समझ लो तीन चार दिन और, फिर उसके बाद तुम्हारा भाई बहुत तगड़े तगड़े ब्लॉग लेकर आएगा गणेश विसर्जन के बाद, क्योंकि अभी भाई फ्री नहीं हो पा रहा हूँ थोड़ा। तो अपन कहीं भाई लंबा वगैरह जा नहीं पा रहा, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ के लिए यार सॉरी। बाकी फिर अपन ने भाई जो बोला था भोजपुर का, इंदौर का, तो भाई वहाँ पर भी चलेंगे अपन बस कुछ टाइम बाद। ये थोड़ा सा भाई गणेश विसर्जन हो जाए तीन चार दिन और, उसके बाद फिर भाई बैक टू बैक भाई अपन लंबी लंबी राइड ही है समझ लो ये सारी, क्योंकि भोपाल तो भाई अपना पूरा कवर अप हो ही गया है। अब बस अपने को बाहर घूमना बस, और कुछ नहीं है। आज भी तुम्हारा भाई निकला अकेला, क्योंकि भाई आज भी कोई फ्रेंड लोग थे नहीं साथ में, ये लोग सब निकल गए थे भाई अपने अपने काम से, तो कोई बचा नहीं था। इस चक्कर में भाई अपने को अकेले ही आना पड़ा आज। तो आज अपन अकेले आए तो भाई अकेले के हिसाब से अपन आज हाई पर राइड करेंगे खतरनाक वाली। यही भाई आई टी आई वाला रोड आया, BHL वाला भाई सीधा सीधा बहुत प्यारा वाला, जो कि मैंने दिखाया आप लोगों को पहले भी। तो अभी चलो भाई ये आगा भाई अपना मेन रोड, और अब खींचते हैं भाई इसके बाद में अपन। पता यार इस रोड पे सारी यही एक दिक्कत है यार भाई, थोड़े थोड़े गड्ढे हैं, मतलब पैसे वाले गड्ढे नहीं, थोड़ा भाई इससे बाइक उचक जाती है बात, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो भाई क्या तो मजा आता है इस पर राइड करने में। और आप लोग भाई मेरे को एक बार कमेंट करके बताना आप लोगों को भाई इसे हाई पर राइड पसंद है या नॉर्मल राइड, क्योंकि भाई मुझे तो खैर दोनों ही पसंद है, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता। कभी कभी तुम्हारे भाई का मन करता भाई हाई पर राइड करने का, तो अपन भाई उस दिन खींचते बाइक को अपनी लपक। और कभी कभी भाई बिल्कुल इच्छा नहीं होती तो भाई अपन 40-50 ही चलाते हैं नॉर्मल, एकदम बातें करते हुए चलते हैं धीरे धीरे।
बट जैसे कि भाई कल अपने साथ में भाई आर सी थी सर थी, तो कल भाई जब बड़ी वाली साथ में होती तो जाहिर सी बात है यार फिर रेस तो होगी और हाइपर राइड तो होगी। अगर भाई अपने साथ बड़ी भाई की हुई रेस ना हुई और हाइपर राइड ना हुई तो फिर मजे ही क्या भाई राइड करने का, फिर तो अपन अकेले अकेले भी कहीं पर भी घूम सकते हैं। इस ग्राउंड से डालने का गाइस खाली बड़ा हुआ है। अरे यार अभी मरे यार खाली तो है बट यार मेरे को कहीं कहेंगे मेरा गीला दिख रहा है क्योंकि कल ही बारिश हुई थी इधर पर, तो फिर दिक्कत होगी फिर वापस में अपने को मोड़ कर आना पड़ेगा। सीधे ही चलते इससे बेटर है अपन। मेरे को लग रहा है गाइस इधर कहीं पे आना पड़ेगा अपने को वेली की प्रैक्टिस करने के लिए इस रोड पे, या फिर आगे चलता हूँ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर पे आएंगे तो शायद यार हो सकता है इधर पर पुलिस वगैरह ना आए क्योंकि भाई स्मार्ट सिटी तो भाई टोटल बैन हो गया। आप वहाँ पर स्टंट्स वगैरह कर ही नहीं सकते हो, वहाँ पे 24 घंटे भाई पुलिस घूम रही है। तो मेरे ख्याल से ये वाला रोड भाई जिस रोड से अभी अपन आए वाला रोड बेटर रहेगा क्योंकि भाई वो ज़्यादा रोड चलता भी नहीं है, सुनसान पड़ा रहता है, तो मस्त अपनी प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाया करेगी वहीं पर। और भाई जो लोग भोपाल से देख रहा बताओ भाई ये कौन सा चौराहा है ये देखो कमेंट करके बताना भाई चौराहे का नाम। देख लो भाई चारों साइड से तुम्हारा भाई ने पूरा राउंड ले लिया है, यू टर्न मान के जाना क्योंकि अपने को अभी अब देख लिया तो भाई एक बार पहचान कर बताओ कौन सा चौराहा है ये। आज यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, बस ऐसे ही बैठा कर रहा हूँ क्योंकि यार कोई साथ में है भी नहीं तो साला मज़ा भी नहीं आ रहा है ऐसे में, और इधर पे खींचने में भी मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि देखो भाई थोड़ा सा खींचो ब्रेक कर अपन थोड़ा सा खींचो फिर आगे ट्रैफिक, तो यार ये रोड भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो अपन ये देखो भाई ये नया ब्रेकर बना दिया अभी यहाँ पे खींचते फिर साला अपने को इधर पे स्लो करनी पड़ती। मैं इधर पे बहुत टाइम बाद आया भाई ब्रेकर बना दिया यार इधर पे और आगे भी पता नहीं यार कहाँ पे बना नहीं बना। चलो खींचते अपन वैसे इधर पे ठीक है, फिर भी तुम्हारा भाई का दिल तो थोड़ा कुछ हो ही गया, इतना बहुत है आज के लिए। अब बाकी अरे यार ट्रैफिक लग गया यार अपने को तो सीधे ही आना था मेरे ख्याल से यार शायद इधर से वो निकल रही है आज बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं भाई जिन लोगों को पता है तो भाई उनकी आज शोभा यात्रा निकल रही है भोपाल से, तो मेरे ख्याल से शायद ये भाई उसी चीज़ का ट्रैफिक लग रहा है इधर पर। भाई यात्रा शायद अभी निकली नहीं है। हाँ वो देखो भाई पीछे एक बार क्राउड अगर आप लोगों को दिख रहा होगा भाई कैमरे में तो ये भाई इधर से चेक मारो एक बार भाई भयंकर देखो एक बार भाई पुलिस चेक करो सिक्योरिटी चेक करो। अभी भाई शोभा यात्रा आप रोड पर निकलेगी तो भाई अब एक बार सोचो भाई कितना भाई इधर पर क्राउड होने वाला है, भयंकर वाले ट्रैफिक लगने वाला भाई इधर पे। ये देखो इस साइड भी भाई ये वाला पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है। ये आवा भाई समान अभी चेतक ब्रिज पे, तो अपन चेतक ब्रिज के भी मजे ले लेते हैं भाई थोड़े। इधर पे भी लीन है एक प्यारा सा बट इधर पे भी क्या भाई थोड़ी बाइक जंप होती है क्योंकि रोड थोड़ा ऊपर नीचे इधर पे भी। ये देखो और आगे भाई गड्ढे आने वाले खतरनाक, ये भाई ये गड्ढे छेक मारो इधर पे एक बार बस। अब यहाँ से रोड सही है तो चलो गाइस एमबी नगर पहुँचना है अपन लोग, अब यहीं पे अपने को रुकना है तो इस ब्लॉग को भाई यहीं पर एंड करते हैं अपन। अगर तुम्हारे भाई के ब्लॉग आज का पसंद आया हो तो अपने भाई के ब्लॉग को लाइक कर देना और अगर चैनल पर ना हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, खतरनाक खतरनाक वाले कॉन्टेंट देखने के लिए जो कि आगे आने वाले। और अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टाटा टाटा।